हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी हेल्दी फूड। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने एक कप मूंग दाल को अच्छे से धो के 3-4 आवर्स के लिए भिगा के रखा था। अभी हम उसको मिक्सी में पीस के ले लेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप घी को गर्म कर लिया है। अभी हम उसमें 1 टेबलस्पून सूजी और 1 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे और उसका हल्का कलर चेंज होने तक हम उसको रोस्ट कर लेंगे। बेसन और सूजी डालने की वजह से हलवे को अच्छा टेक्सचर आ जाता है और हलवा पैन में चिपकता नहीं है। कलर हल्का चेंज हो गया है, अभी हम उसमें मूंग दाल का पेस्ट डाल देंगे। मूंग दाल की पेस्ट को हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक हम उसको रोस्ट कर लेंगे। हलवे को हम लो फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे, उससे उसमें गुठलियाँ नहीं होंगी और उसका स्वाद भी बढ़ेगा। हलवा अच्छे से रोस्ट होने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। मूंग दाल रोस्ट हो रही है, तब तक हम उसकी चाशनी बना लेंगे। हम मूंग दाल को बीच बीच में चलाते रहेंगे। चाशनी बनाने के लिए हम एक पैन में 1 कप पानी ले लेंगे। पानी बॉईल होने के बाद हम उसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी मेल्ट होके चाशनी अच्छे से उबलने तक हम उसको पका लेंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, अब हम चाशनी में इलायची पाउडर और केसर डाल देंगे। शुगर मेल्ट होके चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है, अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी साइड में रख देंगे। 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हलवे में बबल्स आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। हलवा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी हम इस स्टेज पे अगर आपको हलवा स्टोर करके रखना है तो ऐसे ही निकाल के डिब्बे में भर के फ्रिज में 1 मंथ के लिए रख सकते हैं। और जब कभी भी आपको हलवा खाने का मन करे, उसको निकाल के गर्म करके उसमें चाशनी डाल के 5 मिनट में आप हलवा बना सकते हैं। अभी हम चाशनी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट तक हम उसको रोस्ट कर लेंगे। हलवे में से घी छूटना स्टार्ट हो गया है। अभी हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हलवा रेडी है, अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म हलवा सर्व कर देंगे। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हलवा बन गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।